भारत माता की, भारत माता की। सबाई के नवो वर्षेर आंतरिक प्रीति और शुभेच्छा जानाए। आज महाअष्टमी के दिन मैं दुर्गा पूजा की भूमि पर माता बोयरा काली, मां भैरवी काली, उन मां का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। दो दिन पहले ही बंगाल में पोइला बैसाख के साथ नए वर्ष की शुरुआत भी हुई है और कल रामनवमी का महाउत्सव भी मनाया जाएगा। ऐसे समय में आज इतनी विशाल संख्या में आपकी उपस्थिति, रायगंज का ये उत्साह ये बता रहा है कि बंगाल में ये नया साल नई आशा लेकर के आया है। आज हर कोई यही कह रहा है 4 जून 400 पार, हर कोई यही कह रहा है 4 जून 400 पार, 4 जून 4 जून। आभार एक बार। साथियों, बंगाल की धरती से स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विचारकों ने पूरे देश को दिशा दी है। बंगाल के ये विचार आज बीजेपी के विजन का हिस्सा है। अपने इसी विजन के साथ बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी का ये संकल्प पत्र मोदी का गारंटी कार्ड है। आमार बांगलार मानुष बुझलें मोदीर गारंटी होलो गारंटी पूर्ण होवार गारंटी। अगले 5 वर्षों के लिए मोदी की गारंटी है पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ गरीबों को घर मिलेंगे। बंगाल के विकास के लिए वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार होगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज मिलेगा और आप भी अपने परिवार में सभी बुजुर्गों को बता दीजिए कि अब बीमारी छुपाने की जरूरत नहीं है, खर्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपका बेटा दिल्ली में बैठा है,
वो आपकी चिंता करेगा। हमारा सपना है पूर्वी भारत में भी बुलेट ट्रेन दौड़नी चाहिए। देश और बंगाल की करोड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आईटी, रिटेल, टूरिज्म जैसे सेक्टर में ट्रेनिंग दी जाएगी। हम करोड़ों लोगों को मुफ्त बिजली के लिए सोलर पैनल देंगे। बंगाल के मेरे नौजवानों को मुद्रा योजना में अब 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। एटा मोदी गारंटी। साथियों, आज बंगाल में भाजपा सरकार के पास अपने कामों को गिनाने के लिए लंबी लिस्ट है। आप देखिए, हमने पीएम आवास योजना के तहत बंगाल में 50 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत किए। हमने बंगाल में जल जीवन मिशन के तहत 80 लाख घरों में पानी के कनेक्शन दिए। ये लाखों परिवार पानी के संकट से जूझ रहे थे। उज्ज्वला योजना के तहत उन 1.25 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन मिले, जहां महिलाएं पीढ़ियों से धुएं में खाना बनाती थी। बीजेपी सरकार ने जनधन योजना के तहत पहली बार बंगाल के 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए। बीजेपी सरकार बंगाल के 6 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है, ताकि गरीब के घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए, बच्चे भूखे सोने नहीं चाहिए। यहां पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 20,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण भी किया गया। भाई और बहनों, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनाने लगे तो कई घंटे कम पड़ जाएंगे। 10 बछोरे जा होलो, 10 बछोरे जा होलो, ओटा ट्रेलर छिलो। अभी हमें देश को और बंगाल को बहुत आगे ले जाना है, और ये काम सिर्फ बीजेपी सरकार की उपलब्धियां ही नहीं है, ये कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी के काले कारनामों का चिट्ठा भी है। इतने वर्षों तक बंगाल में सरकार चलाने वालों ने बंगाल को कितना पीछे कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बंगाल का विकास
ये मोदी की प्राथमिकता है। आप मुझे बताइए, बंगाल का विकास कौन कर सकता है? बंगाल का विकास कौन कर सकता है? आपके सपने कौन पूरे कर सकता है? आपके लिए दिन रात कौन दौड़ सकता है? हर पल आपके लिए खपाने वाला कौन है? साथियों, बंगाल के सपूत हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपना बलिदान दिया था, वही हमारी प्रेरणा है। पश्चिम बंगाल के विकास में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। साथियों, कांग्रेस सरकारों में एक समय था जब राज्य सरकारों को अपने यहां विकास की फरियादें लेकर दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते थे। मैं खुद भी तब गुजरात का मुख्यमंत्री था, लेकिन तब कांग्रेस सरकार ये देखकर काम करती थी कि इस राज्य में उसकी सरकार है और कहां विरोधी पार्टी की सरकार है। लेकिन आज हालत एकदम उल्टे हैं। मैं केंद्र से हर राज्य हर जिले के विकास के लिए योजनाएं भेजता हूं, बंगाल और पूर्वी भारत के विकास के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बंगाल की टीएमसी सरकार ये कोशिश करती है कि मोदी की योजनाएं यहां के लोगों तक पहुंच न पाए, आपको इसका लाभ न मिले। टीएमसी सरकार या तो केंद्र की गरीब कल्याण की योजनाओं को ठप कर देती है या उस पर अपना स्टिकर लगा देती है। आप देखिए, आज देश भर में करोड़ों गरीबों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, लेकिन बंगाल की टीएमसी सरकार यहां उसे लागू नहीं होने देती। हम बंगाल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए काम करते हैं तो राज्य सरकार उसमें भी रोड़े अटकाती है। मोदी बंगाल में पहले एम्स की शुरुआत कराता है तो यहां की सरकार कहती है कि हमसे परमिशन क्यों नहीं ली। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन को भी ये लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। पीएम आवास के घर गरीबों की जगह गलत लोगों को बांटे जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए पैसे दिए, उसे भी टीएमसी के लोग खा गए। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करना चाहिए? ऐसी टीएमसी को माफ करना चाहिए? ऐसी टीएमसी को माफ करना चाहिए? इनकी ये सोच बताती है कि इन्हें बंगाल के विकास की चिंता नहीं है। इन्हें चिंता इस बात की है कि कहीं बंगाल के गरीब लोग, बंगाल की महिलाएं आगे न बढ़ जाए। टीएमसी बंगाल को गरीब बनाए रखना चाहती है ताकि
उसका कारोबार फलता फूलता रहे। साथियों, टीएमसी के बंगाल में किस चीज की परमिशन मिलेगी, किसकी परमिशन नहीं मिलेगी, ये कानून तय नहीं करता, ये टीएमसी के तोलाबाज और गुंडे तय करते हैं। बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिलती, उसके लिए श्रद्धालुओं को कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन रामनवमी और दुर्गा पूजा की शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकने वालों को टीएमसी सरकार ने पूरी परमिशन दे रखी है। आपका प्यार, आपका ये उत्साह मेरे सर आंखों पर, मैं ये प्यार जीवन भर अपने साथ रखूंगा। साथियों, ये टीएमसी वाले मतदाताओं को अपने लोकतांत्रिक तरीके से वोट डालने की परमिशन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन टीएमसी नेताओं को वोटर्स को धमकाने की पूरी परमिशन है। विभाजन का शिकार हमारे जो बंगाली भाई बहन जो विभाजन के खिलाफ थे, उनके लोग नागरिकता नहीं देना चाहते। टीएमसी नागरिकता देने वाले सीएए कानून का विरोध करती है, इसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाती है, लेकिन टीएमसी ने बांग्लादेशी, रोहिंग्या ऐसे घुसपैठियों को बंगाल की डेमोग्राफी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की परमिशन दे रखी है। उन्हें ये लोग संरक्षण देते हैं। इन लोगों ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बंगाल के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। साथियों, आज ममता दीदी की सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। संदेश खाली की घटनाओं ने पूरे देश और दुनिया को दहला दिया है। हमारी बहन बेटियों के साथ टीएमसी के लोग खुलेआम अत्याचार करते थे, उन्हें अपनी बंधक गुलाम मानकर रखते थे। ऐसी ऐसी वारदात सभ्य समाज जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी शिक्षा और सभ्यता के लिए जाने वाले बंगाल को, देवी की पूजा करने वाले बंगाल को इन लोगों ने ऐसी हालत में पहुंचा दिया है। संदेश खाली के गुंडों माफियाओं को महिलाओं पर अत्याचार की खुली परमिशन किसने दी थी? अत्याचार की परमिशन किसने दी थी? महिलाओं पर जुल्म करने की परमिशन किसने दी थी? जब महिला संगठनों और दूसरी महिलाओं ने उन बहनों के आंसू पोंछने चाहे, तो टीएमसी सरकार उन्हें
क्यों परमिशन नहीं दे रही थी, आप मुझे बताइए, क्या शक्ति की उपासना करने वाला बंगाल इस घोर पाप के लिए ये टीएमसी वालों को सजा करेगा कि नहीं करेगा, बड़ी से बड़ी सजा करेगा कि नहीं करेगा, इन्हें इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। साथियों, बंगाल के लोकप्रिय कवि सुकुमार रॉय ने कभी लिखा था, आरे छीछी राम राम, आरे छीछी राम राम, बोलो ना बोलो ना, चोलते जा जुआ चुरी नई तार तुलना। पहले कांग्रेस और लेफ्ट ने और टीएमसी ने मिलकर बंगाल का यही हाल कर दिया है। आज बंगाल में भ्रष्टाचार एक फुल टाइम बिजनेस बन चुका है। बंगाल में अपराध और गैर कानूनी काम फुल टाइम बिजनेस बन गए हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि केंद्रीय एजेंसियों पर खुलेआम हमले करते हैं, यहां राजनीतिक हत्याएं कराई जाती है। बंगाल का हर व्यक्ति ये बात कह रहा है, टीएमसी माने विश्वासघात अवताचार, टीएमसी माने भ्रष्टाचार परिवारवाद। साथियों, मुझे विश्वास है आने वाली 26 अप्रैल की तारीख बंगाल के लिए एक और नव जागरण का काल उसकी तारीख बनने वाली है। 26 अप्रैल को आपको रायगंज लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी श्री कार्तिक पॉल, श्री कार्तिक पॉल जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली मेरी मदद के लिए भेजना है। और इसके लिए आपको हर पोलिंग बूथ में जाना है, जाएंगे, हर मतदाता को मिलेंगे, घर घर जाएंगे, पोलिंग बूथ जिताएंगे, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो ज्यादा से ज्यादा वोट करवाएंगे, पोलिंग बूथ जीत के आएंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, करेंगे जरा सब बताइए, करेंगे मेरा एक काम करना, हर घर जाना और हर घर जाकर के कहना कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे, मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे, घर घर पहुंचा दोगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।